हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लावा की तरफ से इंडिया में लॉन्च किया गया 5G स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडिया का पहला 5G स्मार्टफोन जो आता है लावा की तरफ से, लावा अग्नि 5G। इस वीडियो में हम इसी स्मार्टफोन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल फास्टैग 7 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के टेक रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। चलिए दोस्तों, बिना टाइम का वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं फ़ोन की डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। इस फ़ोन में हमें प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है एंड फ़ोन के बैक में मैट फिनिश मिलती है। टॉप लेफ्ट में कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है, बॉटम लेफ्ट में लावा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। इसके अलावा फ्रंट में आपको सेंटर पंच होल डिस्प्ले के साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन मिलती है। एंड गाइस, ये स्मार्टफोन जो है एक ही कलर वेरियंट में अवेलेबल होने वाला है, जो कि है ब्लू कलर। प्राइस के अकॉर्डिंग फ़ोन का डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी डिसेंसी देखने को मिल जाती है। बात करें फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में, तो इस फ़ोन में हमें 6.78 इंचेस की फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलती है, जिसमें आपको 396 पिक्सल पर इंच की पिक्सल डेंसिटी मिल जाती है एंड 550 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। एंड वहीं पर गेमिंग के लिए 90 हर्ट्ज़ का स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलता है एंड साथ में 180 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट भी में देखने को मिल जाता है। प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। वहीं पर अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो इस फ़ोन में हमें मीडियाटेक की तरफ से डायमेंसिटी 810 5G का लेटेस्ट चिपसेट मिल जाता है, जो 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। प्रोसेसर में पावर एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, हीटिंग इश्यूज भी काफ़ी कम देखने को मिलेंगे, बैटरी कंजम्पशन भी काफ़ी कम देखने को मिल जाती है और नॉर्मल डे टू डे यूजेज में आपका फ़ोन बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाला है एंड इस फ़ोन में आपको गेमिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। एंड इस फ़ोन में यहाँ पर आपको LPDDR4X RAM का सपोर्ट भी दिया गया है, साथ में UFS 2.1 की स्टोरेज मिल जाती है। ओवरऑल इस फ़ोन में आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है। बात करें कैमरा डिपार्टमेंट की, तो इस फ़ोन में हमें रियर में 64MP का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 64MP का प्राइमरी सेंसर, 5MP का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2MP का डेप्थ सेंसर एंड 2MP का मैक्रो लेंस। साथ ही यहां पर आपको ड्यूल LED फ्लैश भी मिल जाता है एंड इस फ़ोन के रियर कैमरा में आपको मैक्सिमम फुल HD 1080p के रेजोल्यूशन पे 60fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल जाता है। एंड वहीं पर अगर हम बात करें फ्रंट कैमरा की, तो इस फ़ोन में हमें 16MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। फ्रंट कैमरा की मदद से आप मैक्सिमम फुल HD 1080p के रेजोल्यूशन पे 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। ओवरऑल डिवाइस में आपको कैमरा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। बात करें बैटरी डिपार्टमेंट की, तो इस फ़ोन में हमें 5000mAh की मैसिव बैटरी मिल जाती है एंड साथ में डिवाइस को चार्ज करने के लिए यहाँ पर आपको 30W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर आपको फेस अनलॉक के साथ साथ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हमें 3.5mm का ऑडियो जैक भी प्रोवाइड किया गया है। बात करें इस फ़ोन के सॉफ्टवेयर की, आउट ऑफ द बॉक्स डिवाइस हमारा एंड्रॉयड 11 पे रन होगा, साथ में स्टॉक एंड्रॉयड का UI देखने को मिलेगा। काफ़ी क्लीन UI होने वाला है, इसमें कोई भी ब्लॉटवेयर एड्स कुछ भी देखने को नहीं मिलेंगे एंड ये स्मार्टफोन जो है सिर्फ एक ही वेरिएंट में अवेलेबल होने वाला है, जो है 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज। बात करें प्राइसिंग की, 8GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आने वाला ये स्मार्टफोन आपको 19,999 के प्राइस पॉइंट में देखने को मिलने वाला है। प्राइस के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन में आपको बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड किए गए हैं। डिवाइस में हमें 5G कनेक्टिविटी भी मिल जाती है एंड इस फ़ोन में आप गेमिंग को भी अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। ओवरऑल स्मार्टफोन में हमें बैलेंस्ड परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। सो गाइस, आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, एंड इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।